के नायब सरपंच से हम जुड़ना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुबारक अहमद वाली साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे टूर्नामेंट किसने आज इनॉग्रेशन कराई थी जी? सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ इस जेके न्यूज दास्तां को, जो हमारी आवाज आला हकाम तक पहुँचाती है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे आए थे, थोड़ा सा टूर्नामेंट उन्होंने खेला, तो मैं गुजारिश करूंगा आला हुकाम से कि यहाँ पे थोड़ा बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड दिया जाए। बाकी जो मैं ज्यादा जो डिस्कस इस पे लूंगा वो हमारा सरगली है, योमुल तालाब है, हंसराज है, बाकी जो सुनसेरा है, नील जो वासामर्ग है, ऐसी ऐसी धरतियां जो ऊपर वाले ने बड़े नाजू से बनाई है, तो इन इलाकों में जो है वसालत करने की जरूरत है। लिहाजा मैं आला हुकाम से और अपने जनाब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन इलाकों पे भी थोड़ा सा नजर की जाए, ताकि इन इलाकों को जो है नजर से दूर कर दिया गया है। ऊपर वाले ने तो इन इलाकों को बहुत नाजू से पाला था। और जनाब नरेंद्र जी मोदी से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि लोगों ने जो है बहुत से लोगों के एतमाद थे आप पर, बहुत से फकर से लोग आए थे आपके नजदीक कि जमीनी सतह पर काम होंगे, तो शायद ये इलाके जो है ये नजर से दूर कर दिए गए हैं। सुनने में आया कि सरगले के इधर ऊपर साथ में बहुत खूबसूरत जगह है, जिसको मतलब फारूक अब्दुल्ला के पापा शेख अब्दुल्ला ने उनको कश्मीर की वादी से ताबीर किया है, तो वहाँ पे क्यों नजरअंदाज किया? वहाँ पे अगर ग्राउंड भी है तो क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ टूरिज्म सेक्टर में अभी तक क्यों नहीं आया हुआ? मैं वही गुजारिश करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर से और नरेंद्र मोदी जी से, हमारे इलाके जो है ये दबे हुए हैं, यहाँ पे किसी ने मतलब इनकी तरफ तवज्जा नहीं दी, वरना ऐसे इलाके हैं जहाँ स्याह मकाम और इनको स्याह में गुजारिश करूंगा। क्या यहाँ पर मतलब इसमें नजरअंदाज किसी तरह से किया जाता है? सुनने में आया कि टाइगर्स ने बड़ी बार बिल्ले लाए हैं, पीछे पिछली चाहे पिछले यहाँ एक एक दीवार लगाते हैं और बिल्ले कहा जाती है, नजरअंदाजी किसके तरफ से है? हम लोगों की तरफ से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और उसके बाद जो यहाँ का एमएलए बनते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं, वो भी इन तरह इलाकों की तरफ ख्याल नहीं करते हैं, वरना जो ये इलाके हैं ये किसी टूरिज्म मैप से कम नहीं। अगर इन इलाकों की तरफ नजर दी जाए तो ये अच्छे जो है टूरिज्म मैप पे, मैं गुजारिश करूंगा कि इनको टूरिज्म मैप पे लाया जाए। अच्छा, और कुछ जेके दास्तान के हवाले से हम कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे सब, बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आए हैं यहाँ पर, ये एक्सरसाइज है इनकी, अगर इनके लिए थोड़ा सा ग्राउंड दिया जाए, उस तालीम के साथ साथ खेल का भी बहुत अहम रोल है। आपकी डिमांड है मतलब सरगले में तो होना चाहिए, वो तो स्टेडियम है, यहाँ पे भी आपकी डिमांड, यहाँ पे भी मेरी डिमांड है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। अच्छा ठीक है, ये थे हमारे साथ नायब सरपंच मलिगाम बी से मुबारक अहमद वाली साहब, जिनकी मांग यह है यहाँ पे भी एक छोटा मोटा ग्राउंड होना चाहिए, ताकि एक मतलब क्या खेलने के लिए अच्छा, बच्चे वर्जिश करते हैं, वर्जिश एक जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये और बाकी उन्होंने डिमांड की सरगली के लिए जो वहाँ पे भी एक ग्राउंड होना चाहिए, इन्होंने बाकी जगह का नाम भी लिया, वनबरक का नाम लिया और कहीं जगहों का लिया, इनका मानना है कि वो सारी जगह टूरिज्म सेक्टर में आनी चाहिए। बाकी देखते रहे जेके दास्तान।